पेज नंबर कौन सा? 279। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में ये फर्स्ट लाइन से पढ़ा था, पेज नंबर 279 पेन हाथ में रखा है। वो कहते हैं द ऑप्टिमम लेवल मस्ट बी डिटरमिंड एट अ लेवल वेयर द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इज, ईओक्यू की बात होनी थी। दिस ऑप्टिमम लेवल जहां रेलिवेंट कॉस्ट जीरो होते इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी डिटरमिंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड से। डरना चाहिएगा, कहते हैं ईओक्यू निकालने के तीन तरीके हैं, पढ़ के बताएं आपको इनमें से कोई पता कौन सा? फार्मूला अभी पता है, बाकी इंशाल्लाह अभी पता चलने लगा। दो तरीके और कौन से हैं, किसके? टेबुलर नहीं है, टेबल बना, टेबल टेबुलर टेबुलर। और एक ग्राफ भी है, ग्राफ आता है कब बनाना, और ईओक्यू फॉर्मूला हमने अभी तक कौन किससे पढ़ा, लेकिन मेथड तीन है। मेन चीज ईओक्यू फॉर्मूला ही है, लेकिन इसका जो बाकी दो है इनका बस आइडिया जरूर लेकिन होना चाहिए। एक एग्जांपल की बेस पे हम ये तीनों चीजें कभी डिस्कस करते हैं। छोटी सी एग्जांपल पढ़ते हैं। अ कंपनी यूजेस 40,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम 7886, ये क्या है 7886? 7686 ये क्या है? आइटम का कोई नंबर लग रहा है। ईच ईयर कितनी क्वांटिटी चाहिए? 40,000। द आइटम हैज अ परचेज कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रीसप्लाईज रुपीज 2। The annual holding cost of one unit of item is 10% of its purchase price. ये क्या दिया हुआ? 10 रुपए हैं, 10% का डाटा बिल्कुल सिंपल है। एक रुपया क्या बन जाएगा? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वन यूनिट एनुअल। इफ इट वुड बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द आइटम 6, 7, 8, 7, 8, 6 टू द नियरेस्ट यूनिट यूजिंग। अब तीनों तरीकों से करना है। पहले आप इसका करें ईओक्यू का फॉर्मूला बोल के तरह ईओक्यू निकाल लें। टू मल्टीप्लाइड बाय डाटा ढूंढने, डाटा ढूंढने, डाटा ढूंढने। टू मल्टीप्लाइड बाय फिर टू, कौन सा टू? मल्टीप्लाइड बाय कौन सा 40,000? एनुअल डिमांड वाला। डिवाइडेड बाय वन, कहां से आ गया आंसर? क्या आ गया? 10 × 10% व्हाट इज 400? ईओक्यू किसे कहते हैं? ऑर्डर साइज मींस क्या होता है? इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज मींस क्या है? इतने यूनिट्स रह जाए तो ऑर्डर करते हैं, या जब रीऑर्डर लेवल आ जाए तो इतने यूनिट्स का ऑर्डर करते हैं? रीऑर्डर लेवल आ जाए तो इतने यूनिट्स का ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी है। आई होप कि अभी ये वर्ड्स फर्स्ट फाइनल हो गए। अच्छा सर, एक तो यकीनन ईओक्यू फार्मूला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता, लेकिन आप जो दूसरे दो तरीके हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। उसमें पहला तरीका है टेबल। टेबल का यह कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे देखने की बजाय जरा कोई एमएस ऑफिस वगैरह एक्सेल शीट कभी जिंदगी में देखी हो, उसमें कितने कॉलम होते हैं? जितने बन जाए। इसका तरीका ये है कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी है? 40,000। ऑर्डर साइज डिटरमिन करना, तो एक तो ईओक्यू को फार्मूला से करना, लेकिन ईओक्यू टेबल से भी निकलाता है। कैसे? अपने जेब में जरा एक्सेल शीट रखिए, उसमें रो में आए। सबसे पहले एक रो है, 40,000 यूनिट चाहिए। इसका इसका मंगवाने का तरीका क्या हो सकता है? एक एक यूनिट करके मंगा लें। एक्सेल शीट में एक दो, ये दो कहां से बीच में आ गए? एक यूनिट ऑर्डर साइज रख रहे हैं, आगे दो यूनिट ऑर्डर साइज रख रहे हैं, आगे तीन, आगे और बार बार लिखने की बजाय
माउस पकड़ें कहां तक पहुंचा दें, 40,000, कोई इशू नहीं, एक्सेल शीट में पहुंच जाएगा। हम क्या करेंगे वो तो एक सोच लेते हैं, हमारे पास एग्जाम में एक्सेल शीट तो नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मीन्स आप ऑर्डर साइज निकालना चाह रहे हैं, एक ऐसा ऑर्डर साइज जहां कॉस्ट मिनिमम हो जाए। आपको पता है ईओक्यू लेवल पे कौन सा खर्चा किसके बराबर होता है और इनका सम मिनिमम होता है, तो ऊपर क्या लिख लेंगे, ऑर्डर साइज 1, 2, 3, 4, 5 40,000 तक लिख लेंगे। उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन ऑर्डर साइज की होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट एंड सॉरी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर अगली लाइन में अगली रो में इस फॉर्मूले का प्लेस कर देंगे, ऑर्डर सॉरी एनुअल डिमांड 40,000 है डिवाइडेड बाय 1, 40,000 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लिख देंगे और फिर इसे एक्सटेंड कर देंगे। क्या हर ऑर्डर साइज पे हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी? फिर उससे अगली रो में क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 1, 1 रुपीस पर यूनिट पर एनम, और इसे एक्सटेंड कर देंगे। जब ये तीन काम हो जाएंगे, बल्कि फिर फाइनली टोटल कर लेंगे, किस किस का, होल्डिंग कॉस्ट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल कर लेंगे, और बाद में फिर उस रो को ढूंढ लेंगे जिस रो में ये दोनों फिगर्स सेम होंगी और इंशाल्लाह आंसर वही मिनिमम भी होगा। तो फार्मूला लगाने की बजाय, ईओक्यू का फार्मूला यूज करने की बजाय क्या करें, टेबल बना लें। कहाँ टेबल बना लें, एक्सेल शीट में बना लें, और जहां ये मिनिमम हो वही इंशाल्लाह ईओक्यू होगा। लेकिन हम अब एक्सेल शीट अपने पेज पर नहीं बना सकते, हमारे प्ले पेज की लिमिटेशन क्या है, इसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिलहाल अभी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर नहीं है, वो भी आ रहा है सुना, नजदीक आता जा रहा है, वो तो है, लेकिन अभी वक्त भी आ रहा है कि जहां अपने पेपर करके टाइप करके ही एग्जामिनर को भेजना है। तो फाइनल में तो जमाना आ गया हुआ है, जल्दी जल्दी से वो पीछे बैकवर्ड्स आ रहा है, तो फिलहाल अभी वो जमाना तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपका पेज एक नजर आएगा, लेकिन आपने वास्तव वाली बात की, आपको एक पेज नजर आएगा जिस तरह एग्जाम में यहाँ जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है, तो हम इस पेज में नहीं, वो तो एमसीक्यू आएगा, अच्छा आ गया जरा, सॉरी मैंने कहा मुझे क्या पता, सही है आपके पास एक पेज होगा, सही कह रहे हैं। तो हमने इस पेज पे उस एक्सेल शीट को बस समझने के लिए नीचे टेबल देखा। अब यकीनन इस पेज की लिमिटेशन ये कि सारी रेंज नहीं लिखी जा सकती, 1 से लेकर 40,000 तक ये सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, तो जो कुछ सेलेक्टेड सी ऑर्डर साइजेस की बेस पे ही वर्किंग हुई। तो अब आइंदर मैसेज ये टेबल पढ़ते, कहां से स्टार्ट हुआ टेबल बना, आपको स्पेन रख रहे हैं, आपने मुझे सिर्फ मीनिंग बताने चीजों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, उसने कौन कौन सा बस पिक किए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 10,000, बीच बीच में छोड़ेगी मैं उसे, क्योंकि पेज पे लिखा नहीं जा सकता। एक आइडिया देने के लिए आपको कि ये किस तरह से टेबल बन रहा होगा, ये बस रेंडम सी को सिलेक्शन कर ली गई। नंबर टू, मतलब बात मेरी समझ आ रही है, असूलन ये बना कैसे होना चाहिए, मतलब कोई एक्सेल की शीट में बनाओ, टाइम वेस्टिंग भी नहीं होगा, लेकिन हम अगर अपने हाथ से बना रहे हैं तो हम कुछ रेंजेस हमें डेफिनेटली बताएगा कि किस किस पे वर्किंग करना। तो हमने फॉर एग्जांपल कौन कौन सी रेंज में वर्किंग कर ली, कौन कौन सा ऑर्डर साइज रख के देख लिया। अच्छा, क्या इस वक्त हमें पता है कि ऑर्डर साइज क्या है, नहीं इस वक्त हमें पता नहीं है, नहीं 40,000 नहीं है, हम वो तो हमने अपना ये उसे निकाल लिया हुआ है, एक दो ढूंढे 400 हमने निकाल लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर वो फॉर्मूले से ना निकालना हो, टेबल से निकालना, तो कैसे निकलेगा। तो हमने एक अज्यूम्ड सॉर्ट ऑफ ऑर्डर साइजेस लिख लिए। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद फिर क्या लिखा, अब यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्किंग हुई हुई है, शायद ये इकट्ठी भी हो सकती थी, बहरहाल एवरेज इन्वेंट्री आती कैसे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, वर्किंग साथ साथ देखते रहिएगा, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप छोड़ दें, ये 50 कैसे बना हुआ,
सौ बटा दो, सौ नीचे कैसे बना हुआ, 200 बटा एंड में है, 5000 कैसे बना हुआ, 10000 डिवाइड बाय दो, एवरेज इन्वेंट्री निकली हुई। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, मेरी तरफ देखे फॉर्मूला बनो, एनुअल डिमांड बताएं, 40000 डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 100, 400 रह गया, कैलकुलेटर पकड़ने एक दो वर्किंग कर लो, 40000 ऑर्डर्स आई। अच्छा इस तरह के वर्ड्स आप फाइनल रखें, मैं तो भूल रहा हूँ तो मेरा इशू नहीं है, आप याद रखें फाइनल। ऑर्डर साइज कैसे आता है, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, अगर फर्स्ट कॉलम में करें तो 40000 डिवाइड बाय 100, दूसरे में बोले 40000 डिवाइड बाय, आंसर क्या आता है, 200 ही ऑर्डर आ रहा है। एक आखिरी कॉलम में कर रहे हैं, ठीक, 40000 डिवाइड बाय 10000, 40000 एनुअल डिमांड कॉन्स्टेंट है, ऑर्डर साइज बदलने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो रहा है। आखिरी कॉलम में चला गया मैं, 4 समझ आ गया, कैसे बना, कैसे ये फिगर बनी है, ऑर्डर सॉरी एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। अब यहां जरा आपने मुझे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की वर्किंग करवानी, फिगर ना ढूंढे, आप बताएं होती कैसे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 सेकंड रो में कर लिया था हमने और मल्टीप्लाइड बाय 1 ढूंढे, कहीं 1 कहां आया था, 10% तो 50 कैसे बना हुआ है नीचे, 50 × 1, ये तो 50 डिवाइड बाय नहीं होना था, 100 डिवाइड बाय 2 × 1, वो एवरेज इन्वेंट्री सेकंड रो में कैलकुलेट हो गई थी, वहीं से पिक हो रही है। अगला 100 बताएं कैसे आया हुआ, 100 × 1, तो यार डिवाइड बाय 2 किधर गए, आखिरी बताएं कैसे आया हुआ, 5000 × 1, यकीनन 10000 डिवाइड बाय 2 × 1, इंटू वन क्या हो रही है, बार होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो तो 10 रुपए है, 10 रुपए का 10%, 1 रुपया होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट सेलेक्ट करें जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ये तीसरी रो में हो गया था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल बताएं, 400 × 2, 2 ढूंढे गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं, पहले 800 नीचे कैसे बना हुआ, 400 × 2, एक और बता दें, कौन सा 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड 2 इज कॉस्ट पर ऑर्डर, एक लास्ट वर्किंग करवा दो, 4 × 2, तो प्लीज जब भी कभी पढ़े, तो जब मैं ये कोई चीजें देता हूं चाहे वो पसंद आए ना आए, ये रहने देता हूं यार ये फजूल सी चीज है, वो जरूर करें जब फजूल लग रही, हो सकता है एग्जामिनर को फजूल ना लगे। आखिरी रो कैसे बनी हुई, कहने कहने का सम हो गया सर, ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट वर्ड याद आ जाएगा, यूपी लेवल पे पेज नंबर 262 भागते रहे, वापस आए भागते, 4 कॉस्ट के नाम बताएं, इन्वेंटरी से रिलेटेड 4 मेन खर्चों के नाम, परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट, थर्ड पेज पे 265, नहीं थर्ड पेज ही तो 265 बता, नहीं 264 सॉरी, यहाँ ऊपर अजम्पशंस थी, इन 4 में से परचेज कॉस्ट क्यों कंसीडर नहीं करते, बल्क डिस्काउंट नहीं है, ईओक्यू लेवल की बात हो, और शॉर्टेज कॉस्ट कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है, तो कौन से 2 खर्चे ही रेलिवेंट रह गए थे, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये वर्ड मैं जरा याद करवाना चाहता हूँ, आ रहे वापस, तो 850 कैसे आ रहा है, 50 × 80, 800, दोनों का सम हुआ हुआ, आखिरी 2 सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का सम, अगला 500 बोले कैसे है,
हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड, उससे अगला आखिरी कैसे आया हुआ, पांच हजार जमा आठ। अब टेबल गौर से देखें, क्या ये टेबल बता रहा है ईओ की कहां है, कहां है, कहां पे क्या किसके बराबर है, 400 यूनिट्स का ऑर्डर साइज पे क्या किसके बराबर है, और क्या इनका सम मींस 400 सबसे लोएस्ट है। और जाने दें यार, आगे देखो तो सही, आप कम ऑर्डर साइज रखेंगे, ज्यादा ऑर्डर साइज रखेंगे तो ईओ की लेवल पे इंशाल्लाह अगर अजम्पशन सारी रेलेवेंट है तो मिनिमम खर्चा होगा। तो क्या इस टेबल से भी वही 400 आ गया, तो हम कैसे 400 निकाला करेंगे फार्मूले से, लेकिन अगर वो कहे टेबल बना दें तो हम टेबल बना सकते हैं। क्या तरीका है टेबल बनाने का, मेरा ख्याल चार मेन कॉलम है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा वैसे एक्सप्लेन हुए हैं। पहला नंबर वन ऑर्डर साइज लिख लें, नंबर टू नहीं मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, दोनों का जमा कर लें, चार में गेम खत्म हो जाएगी। बोल दें दोबारा कौन से चार, ये जहां टेबल बना हुआ है इसके साथ देखें जरा, फोर मेन कॉलम्स को रोज को रोज है, फोर मेन रोज, ये होमवर्क हो गया, फोर मेन रोज वाला एक टेबल आपने होमवर्क बनाना, एक्सेल शीट पे बनाना है, लेकिन क्योंकि आपने मोबाइल आजकल बंद कर दिया हुआ है और सिस्टम्स को आप देखते भी नहीं, तो कोई नहीं हाथ से बना लेना। नहीं सर, ये नाम पढ़ाई का होता है लेकिन उसके बाद फिर ये बंद हो नहीं पाता जब तक, लेकिन वो होता नहीं कि चार्जिंग खत्म हो जाए। नहीं सर जान जाते सर, नहीं ये तैयार होनी चाहिए ना, बंदा साथ बैठे पर किसी ऐसी जगह पे जहाँ चार्जिंग का प्रॉब्लम ना हो, क्यों रिस्क लेते हैं। सबसे पहले रोक इस चीज की होगी नहीं, ऑर्डर साइज, दूसरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, और देन इन दोनों का टोटल, तो ये चार में है। और डेफिनेटली रेंज वो बताएगा, आपने उसके मुताबिक सोचना है कहां पे ईओ क्यू नजर आ जाएगा। ये कौन सा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपका पता चल गया, कौन सा रह गया है ग्राफिकल वाले पे, एक मिनट जाने से पहले पेन नोट 81 पे ये ईओ क्यू का फॉर्मूला जरा फाइनल कर लो, 281 पे ये ईओ क्यू फॉर्मूला हम है क्या, नहीं ईओ क्यू फॉर्मूला क्या है, टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसकी ना एक डेरिवेशन यहाँ लिखी हुई है कि ये डिराइव कैसे हुआ, बिल्कुल सिंपल चीज है, मेरे साथ ये स्टोरी पढ़नी है, एक पेज पे लिखी हुई है, पेज नंबर 21 के स्टार्ट में पढ़ो, क्या करने लगे हम, ईओ क्यू फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है, ये बना कैसे है ये थोड़ी सी बात होने लगी। तो लिखा हुआ AOP can be identified using a formula. As of now, we have understood the relationship of holding cost, ordering cost and order quantity. ये आपको पता है ये relationship? अगर order quantity बढ़ाएंगे, अगर order quantity बढ़ाएंगे तो ordering cost, हिम्मत हिम्मत थोड़ी हिम्मत हिम्मत, लेकिन holding cost, ordering cost क्यों कम हो जाएगा? Number orders कम हो जाएगा, vice versa बोलना, अगर order size कम करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रिलेशनशिप तो समझ गए। वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज सम ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज सम ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। तो देन मैं कुछ एब्रीवेशंस बना रहा हूं, लेकिन एब्रीवेशंस की बजाय आपने मेन वर्ड्स पे फोकस करना है, क्या वो सही है एब्रीवेशंस, डेफिनेटली ए जो लिख रहा है वो ए वगैरह वो डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन पढ़े वो क्या करता है, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट किसके बराबर होती है, और उसके अगर मैं एक एब्रीवेशन बनाऊ यही से जो बनी हुई है, तो बोर्ड पे देखें कुछ इस तरह से होगी, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट।
तो ये एब्रीवेशंस है, डेफिनेटली कोई रट्टा नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। एब्रीवेशंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि फार्मूले में पूरे वर्ड्स ना लिखने पड़े। पूरे वर्ड्स हमें पता तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो पूरे लिखने ना पड़े इसलिए एब्रीवेशंस बनाई गई। एनी कंफ्यूजन? क्या यही रेलिवेंट कॉस्ट है टीयूपी लेवल? आगे पढ़े, वी हैव नाउ डिनोटेड द वेरिएबल्स एज। इसकी भी बजाय इस तरह करें, आपको पता है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे आती है? ऑर्डर साइज को अगर मैं क्यू कह दूं, ऑर्डर साइज क्वांटिटी, बाकी वो नीचे पढ़ लेते हैं अभी। मैं वो एग्जैक्टली वो यूज करना चाह रहा हूँ जहां ताकि बाद में हम देख सकें मैंने किसको क्या रख लिया। डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाइड बाय, क्या होता है? आप पूरे वर्ड बोले, मैंने क्यू किसको रखा, मैंने क्यू किसको रखा है, मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मैंने एच सी लिख दिया, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये मैंने किसको किस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आगे बढ़े, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऐसा बोले ना, ऐसा बोले यार, मुझे लिखते मैंने एनुअल डिमांड को मैंने ए रख लिया, डिवाइड बाय बताया क्या करो, नहीं अब एब्रीविएशन ही आप बताओ क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय होना क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कॉस्ट, उसको मैं रख लेता हूँ यहाँ से देख के ओसी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, या सीईओ हो सकता, हो सकता, कोई इशू नहीं है। किन वर्ड्स को मैंने एब्रीविएशन में कन्वर्ट कर दिया? ये दो लाइनें आप अपने हाथ से बनाए, लेकिन प्लीज ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इन वर्ड्स का पूरा बोल के लिखना है आपने, ये कोई ए सी कुछ नहीं है। जो लोग नोट कर ले जरा, ये बुक से भी पढ़िएगा कैसे उसने ए किसका रखा था। एनुअल डिमांड को क्या रखा हुआ है, ए, क्वांटिटी पर ऑर्डर मींस ऑर्डर साइज, कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज इन्वेंट्री, देन उसने फिर वो कैलकुलेशंस किए जो हमने फाइनल लिखे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बनाई उसने, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैंने एक जगह बॉक्स बनाया जरा बोर्ड पर देखो, ये एंड नीचे आप भी जरा ढूंढे जरा इसे हाईलाइट करना, फाइनली ये क्वेश्चन बनाई आपने जो अपने हाथ से बनाई। देन उसके बाद यहां तक कट्ठे सारे, इसके बाद फिर यहां से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मेरी इस बात से ये है कि अब इसमें आपको पता फाइनली क्या कैलकुलेट होना है, क्यू कैलकुलेट होना है, इसमें से अब क्यू इकट्ठा करना है, क्यू अलहदा करना है। तो वो क्यू जो है अलहदा कैसे होता है, नीचे एक सेंटेंस पढ़े, व्हेन डिफरेंशिएटिंग, एक डिफरेंशिएशन भी शायद आपने कभी वर्ड सुना हो मैथ्स में, व्हेन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड सेटिंग द डेरिवेटिव्स इक्वल टू जीरो वी गेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके साथ वर्ड लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंशाल्लाह अभी हमने कुछ दिन बाद एक क्वेश्चन करना जरा फाइनली ईक्यू का आखिरी प्रैक्टिस के तौर पर, तो उसमें फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेटर पर बनती है
आपसे पूछ के आपके सामने बताऊंगा क्या वर्ड बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक कैसे लिखेंगे? गुजारा पूरा कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स, इसके बाद जो काम होना है वो कैसे हुआ है ये तो अब यहां नहीं करना। मीन्स ऑफ से फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए ईओपी का फॉर्मूला ड्राइव करें, तो आप पहली इक्वेशन बनाएंगे अपने हाथ से जो आपने लिखी बना देंगे। उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग, बाय डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू इज इक्वल टू, मतलब फर्दर कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। फाइनली आप क्या करेंगे, क्यू क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला बना, टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब ओसी मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय एच सी। ठीक है, तो आपने अगर को अभी जरूरत पड़े कोई वो कह दी क्वेश्चन बनवाए ये ईओ क्यू का फॉर्मूला, हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ईओ क्यू, तो आपने ये तीन स्टेप्स में बात खत्म करके बहस को सबमिट देना है। तो ये भी अपने हाथ से लिखना जो फाइनली मैंने लिखा, जगह बन जाएगी साइड, उधर ही कंप्लीट करना। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह फिगर्स जब आएंगे सामने तो उस पर लंबी सी बात करेंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज चीजें सही तरह से फाइनल करना, फिनिशिंग टच देना इंपॉर्टेंट होता है। बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करने की अब हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। देन आ जाए पेज नंबर 24। ग्राफ एक ब्रेक इवन में भी रहते हैं, ब्रेक इवन का चैप्टर पढ़ना सीवीपी, उसमें भी ग्राफ रहते हैं, इसमें भी ग्राफ है। तो मेरा ख्याल ग्राफ को इंशाल्लाह किसी दिन एक दिन आधा घंटा निकालता हूँ। ये सीवीपी का पेज नंबर 12-13 जरा देखिएगा, जिस तरह ये ईओ की अभी ग्राफ में भी आ रहा था लेकिन उसको ऐसे बनाते हुए देखता हूँ कैसे बनना। इसी तरह सीवीपी याद, ब्रेक इवन भी ग्राफ पे भी आ रहा था। तो ये कौन से पेजेस बना हुआ, 12-13 नंबर सफ़ों पे हो, ये इंशाल्लाह फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 284 पे पेज नंबर 284 पे एंड से शुरू करा था, रिवर्स ऑर्डर से, नहीं नहीं और रिवर्स, नहीं मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए, मिला कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन से सुनना है प्लीज, बात ये आपको पता है। कहाँ इस वक्त मैं हूँ, पेज नंबर 24 पे, और किस जगह हूँ, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, दिस इज एग्जैक्टली सेफ्टी स्टॉक। क्या मतलब, जरा मैं सब पढ़ लिख कर कंप्लीट करूँगा। इन्वेंट्री लेवल, अच्छा अब डिसाइड इस वक्त ये होना है कि कंपनीज को अपना कम से कम स्टॉक कितना रखना चाहिए, और ऊपर चले एक और हेडिंग देखने बाद में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कितना जाना चाहिए। एक है रीऑर्डर लेवल, एक है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब क्या देखने लगे हम, मिनिमम कितना, उससे नीचे जाना फिर डेंजरस हो जाएगा, और मैक्सिमम मींस उससे ऊपर जाना फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक लेवल जाना चाहिए और मिनिमम कहाँ तक रहना चाहिए, ये एक फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से मिनिमम शायद वही बात है जो हमें पहले पता है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या लिखा हुआ साहब, दिस इज एग्जैक्टली सेफ्टी स्टॉक का कोई फॉर्मूला है जिनमें, पेज नंबर 266 पे भागते जाएं आते जाएं मुकाए काम। मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, ऐसे। लेकिन ये तब है अगर हम 100% स्टॉक आउट अवॉइड करना चाहें। कल वाला पेज ढूंढे जहां वो
गैस्केट्स वाला सवाल था, पेज नंबर 288। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क हैं तो फिर सेफ्टी स्टॉक का कैसे पता चलेगा? देख कर आपको याद करवा दू, पेज 288 देख कर। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क हैं तो फिर जो भी हम रीऑर्डर लेवल बनाएंगे वो एवरेज से जितना ऊपर होगा वो सेफ्टी स्टॉक होगा। अगर हम विलिंग टू टेक रिस्क नहीं है तो फिर हम कहां तक रीऑर्डर लेवल बनाएंगे? मैक्सिमम तक। लेकिन अगर हम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम से कुछ नीचे होंगे, लेकिन अभी भी एवरेज से जितना ऊपर होंगे वो सेफ्टी स्टॉक होगा। इन अदर वर्ड्स, मैंने चेक कल बात की थी पेज नंबर 266 पर, एवरेज से जितना ऊपर होगा वो सेफ्टी स्टॉक है। और अगर स्टॉक आउट से बचना हमारी ख्वाहिश है तो फिर उसका फॉर्मूला बन जाएगा मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम और माइनस एवरेज। और अगर फॉर एग्जांपल हम रिस्क लेना चाह रहे हैं तो फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा जहां तक हम रहना चाहते हैं रिस्क लेके। अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम कह लेते हैं, लेकिन फिर वो मैक्सिमम कहां तक नहीं होगा, 100% मैक्सिमम नहीं होगा, वहां तक होगा जहां तक हमने रिस्क लेना चाहा है। आई होप कि मैं वर्ड समझा पा रहा हूं। अब जरा पढ़ेंगे, वो कहता है इन्वेंट्री लेवल कुड बी डेंजरसली लो इफ इट फॉल्स बिलो मिनिमम वार्निंग लेवल। इस मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को वो क्या कहना चाहता है कि इससे नीचे का स्टॉक गया तो ये बहुत आप रिस्क ले रहे हैं। व्हेन इन्वेंट्री फॉल्स बिलो दिस अमाउंट मैनेजमेंट शुड चेक दैट अ न्यू सप्लायर विल बी डिलीवर्ड बिफोर इन्वेंट्री। अगर खुदा ना खास से नीचे चला जाए तो फिर सप्लायर को जल्दी कहें, उन्हें कहें जल्दी करें किसी तरह, वरना हम स्टॉक आउट हो जाएंगे, किससे नीचे ना जाए। अब हिम्मत कीजिएगा जरा सी। व्हेन डिमांड ड्यूरिंग द सप्लाई लीड टाइम इज अनसर्टेन एंड द सप्लाई लीड टाइम इज आल्सो अनसर्टेन, क्या क्या अनसर्टेन हो रहा है? द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज सेट एज फॉलोज। किस चीज का तरीका बता रहा है? जब अनसर्टेनिटीज हो तो मिनिमम स्टॉक का लेवल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, क्या ढूंढे? रीऑर्डर लेवल कैसे ढूंढे और उसमें से फिर क्या माइनस कर दें और इसका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस क्या आएगा? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या ये वही बात है? क्या चीज ही क्या चीज बन गई है? सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। सोचा जरा, सेफ्टी स्टॉक होता क्या? नहीं होता क्या, होता क्या, होता क्या? एहतियातन रखा हुआ, इससे नीचे ना जाए, इससे नीचे ना जाए। तो किसका नाम ही क्या है? लेकिन थोड़ी सी बात रखा कंप्लीट कर ले, पेज नंबर 265 है, पेज नंबर 265 वही वही। नहीं, पेज नंबर 65 पे है एक हेडिंग, वही हेडिंग उन्हें रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक। अगर सर्टेनिटीज हो, क्या हो तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? फिर एवरेज मिनिमम मैक्सिमम वर्ड्स नहीं होंगे। तो अगर सर्टेनिटीज हो तो फिर यही रीऑर्डर लेवल मिनिमम स्टॉक होगा, इसके नीचे ढूंढने का। कंसोलिडेट फुल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। किस सिचुएशन में? इन सर्टेन सिचुएशंस। वापस फॉरन आए, ये क्या फिर क्या, ये क्या? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इन सर्टेन सिचुएशंस? डिमांड इन लीड मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। लेकिन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिनिमम इन्वेंट्री इन अनसर्टेन सिचुएशंस? वही जो सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला होता है। दोबारा जहन में जरा एम्फसाइज करें हिम्मत मारे साहब, क्या सेफ्टी स्टॉक तभी होता है अगर अनसर्टेनिटीज हो? अगर सर्टेनिटीज हो तो सेफ्टी स्टॉक क्यों रखें? कब रखते हैं? जब अनसर्टेनिटीज हो। तो प्लीज आई होप इस फाइनल हो गया। पेज नंबर 265 पे किस जगह आपको मैंने कोई लाइन अंडरलाइन करवाई है? आखिरी पैराग्राफ के ऊपर। किस सिचुएशन में क्या ही मिनिमम स्टॉक होगा? सर्टेन सिचुएशंस में रीऑर्डर लेवल ही मिनिमम स्टॉक होगा, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन में सेफ्टी स्टॉक ही मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होगा। अब कह रहे प्लीज, तो ये किस पेज पे पढ़ा था भैया?
ये पेज नंबर 284 पे साथ लिंक कर रहे हैं, कौन सा पेज? पेज नंबर 265 एंड 266 भी कर रहे हैं जहां सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लिखा हुआ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेफ्टी स्टॉक फाइंडिंग एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम इन्वेंटरी लेवल? सेम एट द एंड ऑफ द डे, सेम इन अनसर्टेन सिचुएशंस एंड इफ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस देन डिमांड इनटू लीड टाइम। I hope it clear okay. You understand okay? Then आखिरी चीज है ऊपर maximum inventory level, उसका एक formula आपको याद ही करना पड़ना। Maximum inventory level का meaning अब पढ़े जरा इसके heading से, start से, conclusion के नीचे। A company will set a maximum inventory level, maximum level of inventory, inventory held above this would incur extra holding cost without adding any benefit to the company. The inventory level should never exceed the maximum inventory level. If it does, something unusual has happened to either the supply lead time or demand during the lead time, the company should investigate. मतलब किस लेवल से ऊपर नहीं जाना थी, किससे नीचे नहीं आना। Then वो कहता है when demand during the supply lead time is uncertain and supply lead time is also uncertain, the maximum inventory level का भी ये formula आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। What is the मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? Reorder level. क्या कैलकुलेट करने के लिए कहां से शुरू करना है? रीऑर्डर लेवल आपका पता है कैसे आता है? अगर अनसर्टेनिटीज हो, कोशिश करते रहे हिम्मत थोड़ी थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, मैक्सिमम डिमांड पेज नंबर 266 देखें। अगर अनसर्टेन सिचुएशन हो तो रीऑर्डर लेवल का पता कैसे आता है? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। वंस अगेन, अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते और अगर लेना चाहते हैं, फिर रिकॉर्डिंग भी वैसे आएगा जैसे आपने मुझे पेज नंबर 288 पे अभी याद करवाया था। फिर अकॉर्डिंग रिस्क एंगल से डिसाइड कर लेंगे। कौन कौन से पेजेस इस वक्त चैट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कभी इधर जाता हूँ कभी इधर आता हूँ। तो रीऑर्डर लेवल ले लेंगे। आगे बोले क्या ऐड करने को कह रहा है? रीऑर्डर क्वांटिटी के साथ ईओक्यू लिख दिया उसने, ये भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ईओक्यू जरूरी नहीं कि रीऑर्डर क्वांटिटी हो, इट कैन बी डिफरेंट। तो इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसमें से क्या माइनस करके क्या निकालना है? मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम, और उससे जो निकलेगा आंसर वो क्या कहलाएगा? वो मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल है। तो ये जो फॉर्मूला, ये शायद हमें मेमोराइज ही करना पड़ेगा। बोल दे जरा एक दफा देखते। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इन्वेंटरी, सॉरी मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम, प्लस या माइनस? प्लस माइनस, माइनस करके क्या आएगा आपके पास? मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल आता है। आज के लिए जो होमवर्क लिखे, अभी पहले तो नहीं मैंने बताया, पेज नंबर 277 ढूंढे जरा। ये दो पेजेस जरा थ्योरेटिकली पढ़ने हैं, पेज नंबर 277 एंड 288, और एक अभी जो पेज पढ़ रहे हैं 287 288 एंड 284। ये प्लीज कंपलसरी है पढ़ने। मैंने 277 और 288 इसलिए आपके साथ नहीं पढ़े, क्योंकि 277 278 शायद इसलिए मैंने नहीं पढ़े आपके साथ, यही बातें तो हम करते रहे। तो जरा एक नज़र खुद से पढ़ के देखिएगा कि आपको ये बात पता। एक आध शायद बीच में पढ़ने भी आएगा तो जरूर देख लीजिएगा, अगर मसला होगा तो बताइएगा। सेकेंड ईयर आज का दूसरा ही काम करना है जरा। ये कल हमने कराची पढ़ा था, कराची कर लेंगे कंप्लीट? नहीं, अगर मेरे ख्याल खुद से कर लेना। उसमें जो असल मसला था वो क्या था मैंने बताया, ये कल डिस्कस करेंगे दोबारा। पेज नंबर 286, तो एक क्वेश्चन और ये दो तीन पेजेस। अगर हिम्मत करके, आज क्या दिन है, अगर एक परसों इसका टेस्ट दे दे मटीरियल शटीरियल का, तो फिर मैं दो तीन क्वेश्चन बता दूंगा कल। तो कल तक कर लिए कम्प्लीट करें कराची तक, तो दो तीन जरा अच्छे से क्वेश्चन खुद से जरा सॉल्व करके देखें, हो जाने चाहिए। इस तरह की थोड़ी चीजों को टाइम दें, ठीक है? बाकी इसमें मटेरियल में ग्राफ रह गए, ग्राफ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आज कुछ आज हमने एंट्रीज करनी है, मटेरियल परचेज की एंट्री याद? तो इन दिनों में अभी जो कुछ चीजें बिखरी बुखरी हुई है इनको जरा फाइनल करते हैं। पेज नंबर जरा ढूंढना, नहीं पेज नंबर पर
anyone at all? Page number sir, repeat kar de. Please yeah.